थाना बेलघाट क्षेत्र में 20 फरवरी को हुई व्यापारी दुर्गेश कसौदन की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें घटना में शामिल तीन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्तों में सूरज गौड़ पुत्र बुद्धिराम निवासी बघाड़ थाना बेलघाट वर्तमान पता रानीबाग पथरा थाना खोराबार, अमित यादव पुत्र राकेश यादव निवासी एकौना खुर्द थाना बेलघाट वर्तमान पता इंदिरा नगर कॉलोनी थाना कैंट तथा अभिषेक साहनी पुत्र अशोक साहनी निवासी कस्बा संग्रामपुर उनवल थाना खजनी शामिल है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 32 बोरका, एक पिस्टल, एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद किया। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा और सीओ क्राइम परवीर सिंह ने बताया कि अभियुक्तों में मृतक व्यापारी दुर्गेश सिंह से गुड्डू सिंह के नाम पर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी, नहीं देने पर इन लोगों ने योजना बनाकर दुर्गेश की हत्या कर दी और फरार होने की फिराक में थे। उसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा और सीओ क्राइम परवीर सिंह ने कहा, एक मिनट रुक जाओ, कहने लेकर। हाँ, जो ये पीसी है व्यापारी दुर्गेश कसौदन की हत्या से संबंधित ही है। उसमें ये घटना 20 तारीख को हुई थी, 20 फरवरी को। चार लोगों के नाम इसमें प्रकाश में आया है। मेन रूप से षड्यंत्रकारी में सूरज गौड़ हैं और शैलेंद्र हैं और ये अमित और अभिषेक, तीन लोगों गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें शैलेंद्र की गिरफ्तारी शेष है। 10 लाख रुपये के रंगदारी से संबंधित प्रकरण है ये। नहीं, रंगदारी से संबंधित है ये। फिलहाल इनकी प्लानिंग काफ़ी पहले से चल रही थी। 9 जनवरी को भी अपना फ़ोन से घर वालों को फ़ोन करके ये पैसे की मांग की गई थी। फिर जो है कोई मुकदमा वगैरह नहीं लिखा गया। उसके बाद फिर इनका हिम्मत बढ़ा, फिर दोबारा रंगदारी के इन्होंने मांग किया और ये 20 तारीख को ही ये सब वहाँ जा करके दो दो लोग दो दो मोटरसाइकिल पर अपना सवार होकर के अपना इस घटना को अंजाम दिए। धीरे धीरे बढ़ने लगा। बघाड़ गाँव में इसकी बहन की शादी हुई थी, वहीं रह रहा था। उसी गाँव का सूरज गौड़ है। सूरज गौड़ अपना जो उसका करीबी साथी था शैलेंद्र सिंह जो एक पुराना अपराधी है, उसके साथ मिलके उसने ये षड्यंत्र रचा कि उससे मतलब पैसे की रंगदारी मांगी जाए। 9 जनवरी को इन लोगों ने बाघागाड़ा के पास से फ़ोन किया गुड्डू सिंह के नाम से, किसी अपराधी गुड्डू सिंह के नाम से इन्होंने फ़ोन करके उससे 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। फिर इन लोगों ने देखा कि पुलिस में कंप्लेन नहीं किया उसने, तो इन्हें लगा कि हमें इस पे दोबारा दबाव बनाना चाहिए। इस चीज़ को लेकर सूरज, शैलेंद्र, अमित और अभिषेक जो यहाँ पे ज़मीन का आपस में काम करते थे खोराबार क्षेत्र और शहर क्षेत्र के करीब, तो इन लोगों के ऊपर कुछ कर्ज वगैरह भी था और इनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी। तो इन्होंने सोचा कि मतलब इजी टारगेट है और इन लोगों ने दोबारा इस घटना के लिए वहाँ पर गए। इनका ऐसा कहना है कि इनकी मंशा वहाँ की मर्डर करने का नहीं था, गोली मार के डराने की मंशा थी, लेकिन गोली लग गई और वहाँ ये घटना कारित हुई। 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 4 लोग गए थे, जिसमें थी सूरज गौड़ जो उसी गांव का रहने वाला है बघाड़ का, उसने ही अन्य अपराधियों को चिन्हित कराया था, दिखाया था। इसमें गौरतलब ये है कि इनकी मंशा वहाँ पे नागेंद्र को मारने की थी और इन्होंने नागेंद्र के फ़ोन पर रंगदारी मांगी थी, जो इसका भांजा था मृतक का। नागेंद्र के फ़ोन पर रंगदारी मांगी गई थी और उस दिन नागेंद्र अपने भाई के साथ शहर क्षेत्र में आया हुआ था यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। उसके घर पे शादी का कार्यक्रम था, तो जिस दुकान को इसने दिखाया था कि इस दुकान पर और इस फला गाड़ी टीवीएस पे जो व्यक्ति आएगा उसको गोली मारनी है, उस दिन नागेंद्र ना आकर उसका जो मामा था दुर्गेश कसौदन वो उस गाड़ी पे बैठा और वो अपने घर के लिए जाने लगा। और शैलेंद्र सिंह को जो चीज़ें बताई गई थी तो उस हिसाब से उसने वहाँ पे गोली चलाई और उसने वहाँ पे हत्या करी थी वो बाद में उसने। तो पूरी घटना यही है। अभी तीन लोग, अभी आप देखें, तीन लोगों की गिरफ्तारी आपके समक्ष हुई है। एक मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयुक्त हुआ था
वो बरामद हुआ है पैशन प्रो। ये थानाध्यक्ष बेलघाट के वहाँ जाने के उपरांत ये प्रथम सफलता उनको प्राप्त हुई है क्राइम ब्रांच के साथ। और अभी इसमें जो अपराधी है शैलेंद्र सिंह, जो मतलब समझिए कि पूर्व में ये 302 में जेल जा चुका है वो, और ठीक उसके अलावा अन्य चीज़ें भी उसके पकड़े जाने के बाद और बरामद होंगी। बाकी हम इनके नेटवर्क को ठीक खंगाल रहे हैं कि इन लोग के यहाँ पे अन्य साथी कौन कौन हैं शहर क्षेत्र और यहाँ के बाहर जो इनके साथ काम करते हैं, कौन इनको शरण देते हैं, और घटना के उपरांत ये कहाँ कहाँ रुके थे, अभी इन चीज़ों पे भी काम किया जा रहा है। ये अरे ज़मीन का काम करते हैं, प्लाटिंग का काम करते हैं, ये इनका काम है ठीक तमाम तरह का। ठीक है, लोगों के साथ मिलकर इनका मतलब कुछ कार्य है, और इनका ऐसा कहना था कि ठीक 10-15 लाख रुपये अगर हमको वहाँ से मिल जाते हैं तो हम अपने ही धंधे में इस्तेमाल करते हैं। अभी इसके लिए जाँच चल रही है।